नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सृजन आर्किटेक्ट की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बेहतरीन से एलिवेशन के बारे में और इसके प्लानिंग के बारे में, किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है, आपको ये ब्रेक एलिवेशन में किस तरीके से देखने को मिलता है। डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आज इस प्लान के बारे में, इसके एलिवेशन के बारे में, इस ब्यूटीफुल से एलिवेशन के बारे में, किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया हुआ है एंड क्या इसकी आपको साइज देखने को मिलती है, बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। क्या लागत आएगी इसको कंस्ट्रक्ट करने में, सारी चीज़ों की बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की वीडियो रेगुलरली हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ। दोस्तों बात करें इसके प्लान डिटेल के बारे में तो हमें ये प्लॉट साइज देखने को मिलता है 20 फिट बाय 25 फिट के प्लॉट एरिया पर, मीन्स 56 गज में आपको ये देखने को मिल जाता है। 600 स्क्वायर फिट इसका बिल्टअप एरिया रहने वाला है। एंड जो हमने इसमें सिर्फ ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया है जिसमें आपको 2 बेडरूम के साथ एक टॉयलेट, एक ड्राइंग रूम, एक किचन स्पेस देखने को मिलता है। इसमें अंदर से कोई भी पार्किंग हमने प्रोवाइड नहीं किया है। ये हमारा लो कॉस्ट हाउस में देखने को मिलता है आपको। इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको देखने को मिलती है आज के टाइम पे 2022 की बात करें तो हमें 6 से 7 लाख के नीचे देखने को मिलता है। एंड जो इसमें हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड किया है वो अंदर से ही प्रोवाइड किया है। तो चलिए चलते हैं इसके 3D प्लान की तरफ एंड डिस्कस करेंगे इसको आगे किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है। दोस्तों बात करें इसके 3D प्लान के बारे में, कुछ इस तरीके से इसका 3D प्लान आपको देखने को मिलता है। इसमें हमने टोटल 9 कॉलम प्रोवाइड किए हैं जो कि ग्रिड में प्लेस्ड हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसमें कॉलम प्रोवाइड किए हैं। आपको यहाँ पे स्टेयरकेस देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके आगे की प्रोसेस की। दोस्तों सभी वॉल सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये 3D प्लान आपको देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छे से हमने इसमें स्पेसेस को यूटिलाइज किया है। प्लान के साइजेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम इसमें डोर एंड विंडो की प्लेसमेंट देख लेते हैं, किस तरीके से हमने डोर एंड विंडो प्लेस की हुई है। सो दोस्तों सभी डोर एंड विंडो ऐड होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये प्लान आपको देखने को मिलता है। इसमें हमने चारों साइड में विंडो प्रोवाइड किया है तो आपको वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। डे टाइम में बात करें, इसमें जो हमने प्रोजेक्शन प्रोवाइड किया है, किस तरीके से हमने वो डिज़ाइन किया है वो ऐड करके देखते हैं। जो विंडो प्रोजेक्शन हमने प्रोवाइड किए हैं ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने इसमें विंडो के प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन ही आपको एलिवेशन में देखने को मिलता है। बात करें जो इसका आगे की तरफ पोर्च आ रहा है हल्का सा, वो हमने किस तरीके से कॉलम पे डिज़ाइन दिया है कॉलम को एंड किस तरीके से वो आपको देखने को मिलता है फ्रंट में। देखिए हमारे डिज़ाइनदार कॉलम हमने फ्रंट में प्रोवाइड किए हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जब ये हमारा पूरा एलिवेशन कम्प्लीट होगा आप देखिएगा कितना अच्छा ये हमें व्यू देते हैं फ्रंट का। सो दोस्तों रोड लेवल से अप्रॉक्स 1.5 फीट ऊपर हमारे ये आपको प्लान देखने को मिलता है। जिसका प्लिंथ है वो 1.5 फीट का आपको देखने को मिलता है, जो कि हमने रैंप दे रखा है। मेन एंट्री गेट से हम एंटर होते हैं तो हमारा एक बैठक देखने को मिलती है, लिविंग हॉल, जो कि हमारे साइज में रहने वाली है 8 फिट 10 इंच बाय 6 फिट का आपका ये लिविंग रहने वाला है। इससे अंदर एंटर करते हैं तो हमारा ये स्पेस ओपन आपको देखने को मिलता है। यहाँ आप अपनी डाइनिंग टेबल रख सकते हैं इजीली, आपको काफ़ी अच्छी स्पेस ये भी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट साइड में आपको एक किचन देखने को मिल जाता है जो कि हमारा साइज़ है 5 फिट 7 इंच बाय 6 फिट 2 इंच का हमें किचन देखने को मिलता है। वेंटिलेशन विंडो की बात करें तो हमने इस साइड हमने इसकी वेंटिलेशन विंडो प्रोवाइड की हुई है। बात करें ये वाले स्पेस की तो हमारा एक कॉमन टॉयलेट आपको देखने को मिलता है, जो कि साइज़ आपको देखने को मिलता है 4 फिट 8 इंच बाय 6 फिट 4 इंच का आपका ये टॉयलेट रहने वाला है, जिसकी वेंटिलेशन विंडो हमने ये साइड पे प्रोवाइड की है। अंदर की साइड चलें तो हमें पीछे की साइड 2 बेडरूम देखने को मिलते हैं, जिसका साइज आपको देखने को मिलता है 9 फिट बाय 10 फिट का आपका ये बेडरूम रहने वाला है। सेम आपका 9 फिट बाय 10 फिट का ये वाला बेडरूम आपको देखने को मिलता है। सेम हमने इसकी वेंटिलेशन विंडो पीछे की साइड और इसमें एक ये विंडो हमने यहाँ साइड पर प्रोवाइड की है। तो कुछ इस तरीके से इसमें आपका प्रॉपर विंडो हर रूम में आपको देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसके ऊपर के लेवल्स की, तो विंडो के ऊपर हमारा लेवल आएगा लिंटल लेवल, देन हमारा वॉल्स एंड ये हमारा बीम स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से देखिए हमारा स्लैब जो एक्सटेंड किया हमने आगे की साइड वो रहने वाला है। अब ऊपर के लेवल सेट करते हैं तो ये हमारा बेस लेवल, देन ये हमारा जो कॉलम हमने नीचे प्रोवाइड किए थे सेम हमारे मम्टी बॉक्स में ऊपर आपको देखने को मिल जाते हैं।
ऊपर की बात करें तो हमारा मम्टी बॉक्स कुछ इस तरीके से रहने वाला है। स्टेयर से हम ऊपर आएंगे तो हमारा ये डोर किस तरीके से आएगा, ऐड कर लेते हैं डोर एंड हमारी लॉन्ग विंडो जो हमने स्टेयर्स में प्रोवाइड किया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी फ्रंट विंडो रहने वाली है एंड ये हमारा डोर रहने वाला है यहाँ पे। अब इसमें पैरापेट वॉल किस तरीके से, देखिए कुछ इस तरीके से हमारी पैरापेट वॉल आपको देखने को मिलती है। आगे की तरफ हमने स्टील की रेलिंग प्रोवाइड की है फ्रंट एलिवेशन को अच्छा लुक देने के लिए, वो ऐड कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये सरमने का फ्रंट का डिजाइन रहने वाला है। पास से कुछ इस तरीके से हमने इसे काफी खूबसूरत सा कॉलम के साथ डिजाइन दिया हुआ है, देखने में काफी अच्छा लगता है। अब जो इसकी रूफ है हमने उसको रूफ को सीधा नहीं रखा है, आपको हर्ट शेप में रूफ देखने को मिलती है जो कि एलिवेशन को एक और अच्छा और यूनिक सा लुक देती है। चलिए अब वो ऐड कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसकी रूफ आपको देखने को मिलती है एंड ऊपर की साइड हमने एक सर्कुलर विंडो प्रोवाइड किया। कुछ इस तरीके से इसका फाइनल व्यू आपको देखने को मिलता है। ये जो कंस्ट्रक्शन है आपको लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन विलेज के हिसाब से देखने को मिलता है, जिसमें आपको दो बेडरूम देखने को मिल जाते हैं, अच्छी स्पेसेस के साथ लिविंग किचन और टॉयलेट देखने को मिल जाता है एंड हमारा प्रॉपर वेंटिलेशन इसमें आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको किस साइज़ का नक्शा बनवाना है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए वो वीडियो फॉर्मेट में ज़रूर अपने चैनल के थ्रू आप तक पहुँचाएंगे। एंड अगर आपको फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन कराना है एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर से विजिट कीजिएगा। ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की वीडियोस हमने अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, तो आपके कंस्ट्रक्शन टाइम में वो आपको काफ़ी काम में आएंगी एंड आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाएगा किस तरीके से आपका घर कंस्ट्रक्ट होना चाहिए और क्या क्या आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, वो आपको सब आइडिया लग जाएगा। तो हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नॉलेज लेने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 20 फिट बाय 25 फिट में डिज़ाइन किया गया एक खूबसूरत सा हाउस डिज़ाइन, जो कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखने को मिलती है 6 से 7 लाख रुपए के नीचे आपको ये कंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाता है। ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की वीडियोस डेली हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अमेजिंग हाउस एलिवेशन एंड डिज़ाइन की अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।